दरवाजे पर बैठ करके रो रही है, बोली घनश्याम हम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ शादी करेंगे, हर एक नहीं आएंगे। रुक पड़ी जो थी रुक्मणी जो है दरवाजे पर बैठ करके रो रही है, बोली घनश्याम हम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ शादी करके हर जगह नहीं जाएंगे, हमने बचपन से तुम्हारी आस लगाई है। इधर जहां रुक्मणी दरवाजे पर बैठ करके रो रही है, अब समाज एक ब्राह्मण देव भिक्षा मांगते हुए रुक्मणी के पास में पहुंच गए। और जब रुक्मणी के पास में पहुंचे, रुक्मणी को जब रोता हुआ देखा तो पंडित जी ने सवाल किया, तुम रो रही हो, हमने ये सुना है कि तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मगर रो काहे को रही हो, और अगर आज से रोगी तो मर जाओगी। रुक्मणी बोली, पंडित जी शादी नहीं, जीवन की बर्बादी हो रही है। मतलब हम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ शादी करके हर कहीं नहीं जाएंगे, और हमारे बचपन से कन्हैया की आस लगाई है। ब्राह्मण देव बोली, कन्हैया? हाँ, तुम कन्हैया को कब से जानती हो? जानती हूँ, कब से जानती हूँ, कहाँ देखा तुमने? देखा है कहाँ? रुक्मणी बोली, पंडित जी।